स्वागत है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरों में। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पर नान घोटाले में क्या शिकंजा कसेगी बघेल सरकार? मुख्यमंत्री बघेल की पहली सबसे बड़ी पहली प्रशासनिक सर्जरी, 42 आईएएस के तबादले। नक्सलियों का अर्बन नेटवर्क ध्वस्त, छत्तीसगढ़ में पूर्व सरकारी अफसर अरेस्ट। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों के आंदोलन का असर, नए डीजीपी ने की घोषणाएं। छत्तीसगढ़ में बघेल का ऐलान, रमन सिंह के बेटे के पनामा मामले की होगी जांच। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने किया पहला रोड शो, हुआ भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ में नए गेम प्लान के साथ नक्सल फ्रंट में उतरेगी कांग्रेस सरकार। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली हार पर उद्धव ठाकरे बोले, छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने यहाँ की गंदगी साफ की। रायपुर में जनधन खाता धारकों को बैंक की किसी भी सर्विस पर नहीं लगेगा टैक्स। रायपुर में बाबू ने ली थी 30,000 रुपए रिश्वत, अब मिली कोर्ट से ऐसी सजा। डीजीपी छत्तीसगढ़ बोले, गोलियों से देंगे नक्सलियों की गोलियों का जवाब। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट में 9 नए मंत्रियों ने ली शपथ। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, टाटा संयंत्र के लिए अधिकृत जमीन किसानों को होगी वापस। ईएसआईसी ने छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ के 33 पदों के लिए आमंत्रित किए आवेदन। सीएम हाउस के बाहर लगे पोस्टर, लिखा छत्तीसगढ़िया शेर है भूपेश बघेल। रायपुर में छाया सिम्बा का जलवा, रणवीर सारा के साथ रोहित शेट्टी ने मचाई धूम। स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड की रेस में रायपुर, 65 स्मार्ट शहरों के बीच मुकाबला। 42 साल बाद हाईकोर्ट ने दी आदिवासियों को राहत, जमीन की नीलामी रद्द। सीएम भूपेश ने दिया डाटा संयुक्त का आदेश, किसानों के अधिकृत भूमि जल्द करे वापस। अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने के निर्देश। सीएम भूपेश ने दिया टाटा संयंत्र को आदेश, किसानों की अधिकृत भूमि जल्द करे वापस। अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों को मिलेगी राहत, 3.5 घंटे मिलेगा समय। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स की यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।